इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर में कई सारी सरगर्मियां जारी है, जिसमें यह एक अहम है। जो फौज में भर्ती होने के लिए हजारों नौजवान बेलगाम शहर में दाखिल हो चुके हैं। फौज में भर्ती के जज्बे से हजारों मील दूर का सफर तय करके शहर बेलगाम में तकरीबन 8 रियासत के नौजवान किसी तरह से फौज में मुलाजमत हासिल हो जाए उसकी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वैसे तो इलाकाई फौज में दाखिल होने का मौका कभी कभी हासिल होता है। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि 23 साल की उम्र के बाद फौज में दाखिल होने के दरवाजे बंद हो जाते हैं, पर इलाकाई तौर पर मौका इसी तरह से हासिल होता है। इलाकाई फौज में जो ओहदे खाली हैं, इसमें से 106 बटालियन पैराशूट रेजिमेंट, 110 मद्रास रेजिमेंट, 115 महार रेजिमेंट, जिसमें दर्जी, क्लर्क, ट्रेडमैन वगैरह जगहों पर भर्ती करनी है। लिहाजा 100 जगहों पर अर्जीदार 10,000 नजर आ रहे हैं। ऑनलाइन अर्जियों का मुताबा किया जा रहा है। तकरीबन नवंबर तक भर्ती जारी रहेगी और काबिल अफरादों को इसमें शरीक होने का मौका दिया जाएगा। पहले दिन महाराष्ट्र के लिए तो था, तो सिर्फ महाराष्ट्र ही आने वाले नौजवान हजारों में नजर आ रहे थे। एक और पहलू यह भी देखा गया कि जो भी फौज में दाखिल होने वाले फर्द के लिए इंतजाम ठीक नहीं थे। नौजवान रात को सड़कों पर लेटे नजर आ रहे थे, खाने पीने के लिए भी काफी दिक्कत उठानी पड़ रही थी। एक तरह से भारत की यह भी तस्वीर नजर आ रही थी कि देश में किस कदर नौजवानों में बेरोजगारी बढ़ गई है। सिर्फ 100 जगहों के लिए 10,000 लोग अर्जी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? दूसरी बाजू यह भी देखने में आई कि तकरीबन नौजवान किसानों के बेटे हैं और वह खुद किसान नहीं बनना चाहते। यह एक तस्वीर देश के उस चेहरे को भी उजागर कर रही है जहां बढ़ती बेरोजगारी, किसानों के खुदकुशी, बंद होते कारखाने, गिरती जीडीपी। इससे पहले भी रांची में भी भर्ती के दौरान भगदड़ में कई अफराद जख्मी हुए थे, तो बेलगाम में भी यह नजारा देखने में आया कि भीड़ को काबू में न आते देख आखिर लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसमें कई अफराद जख्मी हुए। करीब के घरों के दरवाजे और गेटों को भी नुकसान हुआ। आवाम का कहना था कि जब भर्ती का ऐलान किया जाता है तो इसका पुख्ता इंतजाम भी फौजों की जानिब से होना चाहिए। कुछ सामाजिक खदमात करने वाली तंजीमों ने आखिरकार मदद की। क्या देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले मुस्तकबिल के फौजियों को के साथ इस तरह का सलूक करना दुरुस्त है? ऐसा कोई मैदान पहले से तय नहीं था, तो ऐसा कोई मैदान पहले से तय हो जहां पर लोगों के लिए इंतजाम किया जाए? देखा गया तो सड़क पर, फुटपाथ पर, बाजारों पर जहां जगह मिली सोए हुए थे। कैंप के इलाके में हर तरफ भर्ती के लिए आए नौजवान ही नजर आ रहे थे, जिसकी बिना पर ट्रैफिक को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया। कुल मिलाकर यह नजारा कह सकते हैं कि फौज में भर्ती होने वाले हजारों नौजवान, इंतजामिया की नज्म जब्त की कमी और 100 पोस्ट के लिए 10,000 की भी यकीनन तस्वीर कुछ अलग ही बयान करती नजर आती है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।